दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1093 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल 1,34,000 से ऊपर केस हो चुके हैं। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में राजधानी में 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इस तरह अब दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,936 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब दिल्ली में मौत के मामले कम करने के लिए डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई है। कमेटी अस्पतालों की जांच कर सुझाव देगी। दिल्ली में 1 जुलाई से 23 जुलाई 2020 के दौरान जिन अस्पतालों में मरीजों के एडमिशन की तुलना में कोरोना से होने वाली मौत का प्रतिशत ज्यादा है, साथ ही 11 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के वार्ड में कोरोना से हुई मौत का प्रतिशत उच्च स्तर पर है, इसकी जांच के लिए दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों की टीम बनाई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम गई है। अब हर रोज करीब 1,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के बाद दिल्ली सरकार ने अब लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। इसके अलावा होटल, हॉस्पिटलिटी सेवाओं और स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाजत दी है। सरकार ने अब साप्ताहिक बाजार भी लगाने की अनुमति दे दी है। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना का कहर भारत में इतना फैल रहा है कि दुनिया के कई देशों से भारत आगे निकल चुका है। देश में अब हर दिन करीब 45,000 से 50,000 के बीच मामले आ रहे हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामले 16,00,000 के पार हो गए हैं और अब तक इस वायरस से 35,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। मौत का आंकड़ा इतना अधिक हो गया है कि भारत इटली को पीछे छोड़ 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मौतों के मामले में भारत अब इटली से आगे निकल चुका है और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन के आविष्कार का इंतजार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 24 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इनमें अमेरिका, यूके और चीन के अलग अलग लैब शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में पहुँच चुके हैं। एक वैक्सीन का 1,150 लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल देश भर के 8 अस्पतालों और संस्थानों में हो रहा है।